What's up everyone? Welcome back to the channel. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर टू कलेक्शन ऑफ डेटा. चैप्टर वन वन शॉट मैंने आपको कल कराया था, आज चैप्टर टू वन शॉट, एक वीडियो देखो चैप्टर खत्म. तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे हफिलीज भी आ रहे हैं और जल्दी जल्दी से चीजें कंप्लीट करते हैं. लेट्स बिगिन विद कलेक्शन ऑफ डेटा. चैप्टर इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा. अब डेटा मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हो जिससे आप कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाल रहे हो, वो डेटा है. अब डेटा कलेक्ट कैसे होगा, कैसे कलेक्ट करा जाएगा? सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है द सोर्सेज ऑफ डेटा, दूसरा आता है द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, और दूसरा मेथड्स क्या हैं, क्या तरीके हैं. सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं. चलो, सोर्सेज में वी हैव टू सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है. प्राइमरी सोर्स क्या होता है, अगर सबसे पहले ये जानो कि अगर मुझे किसी चीज़ का डेटा चाहिए तो मैं इन्वेस्टिगेटर कहलाऊंगा. मैं कौन हूँ? इन्वेस्टिगेटर. तो अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली जिससे चाहिए उसी का, मुझे फॉर एग्जाम्पल चिंटू के बारे में कुछ जानना है, मैं चिंटू के पास गया डायरेक्टली उससे सवाल करे, तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी डेटा. और मुझे चिंटू के बारे में कुछ जानना है, मैंने उसके किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी और से उसके बारे में जानकारी ली जिसके पास शायद वो इन्फॉर्मेशन पहले से हो, वो होता है सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा. जो ओरिजिनली कलेक्ट करा गया है आपने खुद कलेक्ट करा है. सेकेंडरी कौन सा होता है, विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जो किसी और ने कलेक्ट करा था, किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट करा था, आपने वही यूज़ कर लिया, उसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं. ओरिजिनलिटी, कौन सा डेटा ओरिजिनल होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा ओरिजिनल होगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था तो ये कम ओरिजिनल होगा या पुराना होगा. सूटेबिलिटी, प्राइमरी डेटा हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, पर्पज़ के लिए होता है. सेकेंडरी ऑलरेडी किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट हुआ हुआ होता है, अब हम तो बस उसको यूज़ कर रहे होते हैं. कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डेटा ऑब्वियसली कॉस्टली होगा क्योंकि उसमें दोबारा से समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा. इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी हो चुका होता है कलेक्ट, तो ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, आपको बस जाके उठाना है. रिलायबल ज़्यादा कौन सा होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आपने अपने हिसाब से अब डेटा कलेक्ट करा है तो प्राइमरी वुड बी मोर रिलायबल, सेकेंडरी वुड बी लेस रिलायबल, क्योंकि किसी और ने अपने ऑब्जेक्टिव के तरीके से कलेक्ट करा होगा, आप तो बस उसको यूज़ कर रहे हो. अब आता है मेरे पास मोड्स. क्या मोड्स हैं डेटा कलेक्शन के? तो डेटा कलेक्शन के मोड्स की बात करें तो ये चार होते हैं. मैं क्या बोलता हूँ इनको, DPI, IOI, ILS और IQS. तो क्या याद रखेंगे हम लोग मोड्स में, DPI, IOI, ILS, IQS, DPI, IOI, ILS, IQS, DPI, IOI, ILS, IQS, याद रखना, ठीक है? अब देखते हैं सबसे पहले DPI क्या होता है. नाम में लिखा हुआ है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि मुझे इस चिंटू के बारे में कोई जानकारी चाहिए और मैं इसी को फ़ोन लगा के डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, इसको बोलते हैं DPI. यानी कि द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट. इन्फॉर्मेंट कौन होता है, जिसके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है? ये कहाँ पर सूटेबल होता है, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया नहीं है, एक दो लोगों का डेटा चाहिए, वहाँ पर ये सूटेबल है. ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए, आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए बिल्कुल, और इन्फॉर्मेशन आप सीक्रेट रखना चाहते हो, छुपी हुई, किसी और को पता ही ना लगे, तो ये चलता है. इसके क्या मेरिट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल होगा, एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा. रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी होगा. तो दिस डेटा इज ओरिजिनल, दिस डेटा इज एक्यूरेट, दिस डेटा इज ट्रस्टवर्दी. डीमेरिट क्या होंगे, बहुत बड़ा एरिया आप कवर नहीं कर सकते, या आप अगर बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो आप फेस टू फेस जाके नहीं कलेक्ट कर सकते. पर्सनल बायसनेस इसमें हो सकती है, बायसनेस का मतलब हो सकता है भेदभाव हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस कर सकता है. कॉस्टली होता है काफ़ी ज़्यादा, टाइम मनी एफर्ट्स इसके अंदर काफ़ी लगते हैं. तो DPI क्या होता है, उसकी सूटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट, ये आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट आता है अब IOI. IOI क्या होता है, IOI होता है कि डेटा आपने किसी और पर्सन से कलेक्ट कर लिया. जैसे मुझे चिंटू के बारे में पूछना है कि चिंटू घर पे है या नहीं है, चिंटू को फ़ोन लगाया तो DPI, उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया तो IOI. उसकी मम्मी को तो पता ही होगा ना. तो क्या है IOI, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन
not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from some other persons who are expected to possess the information. These other persons are known as witnesses. ये याद रखना, जो other persons से आप data collect करते हो, उन other persons को आप witness बोलते हो. Witness मतलब कि जो हमें मदद कर रहे हैं. Suitability, कहाँ पे चलता है ये? जहाँ पे field थोड़ी बड़ी हो, काफ़ी दूर दूर लोग हों जिनका डेटा चाहिए, तो फिर आप उनके आसपास वालों से ही पता करते हो, उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट. इन्फॉर्मेंट से जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं मीडिया रिपोर्टर हूँ, मुझे जाके रिपोर्टिंग करनी है, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बेचारा उसे लेके जाया जा रहा है एम्बुलेंस में, मैं उसे सवाल पूछ रहा हूँ ये कैसे हुआ, कब हुआ, भाई वो क्या बताएगा, बता ही नहीं पाएगा. तो मैं किसी और से आसपास से पूछूंगा, तो वहाँ DPI नहीं चलता, वहाँ पे IOI चलता है. ठीक है, तीसरा कहाँ पे यूज़ होता है ये? अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, या तो वो इग्नोरेंट है, वो इग्नोर कर रहा है, या फिर वो इलिटरेट है, वो समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात को, तो वहाँ पे ये काम आता है. ठीक है जी, इसके क्या मेरिट्स होते हैं? सबसे पहले कवरेज इसका बड़ा है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेंट कहीं दूर भी बैठा है तो आप उसके आस पड़ोस वालों से चीज़ें पता कर सकते हो. वाइड कवरेज, लेस एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि आपको डायरेक्टली हर जगह विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल, काफ़ी आसान और आसान सी अप्रोच से कलेक्ट हो जाता है. डीमेरिट क्या है? कम एक्यूरेट होगा, सामने वाला गलत भी बता सकता है उसके बारे में, तो एक्यूरेसी इसमें थोड़ी सी कम होगी, बायस्ड हो सकता है वही आप जिससे पूछ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे चिंटू के बारे में कोई जानकारी चाहिए और मैं बंटी से पूछ रहा हूँ, तो बंटी अगर चिंटू की नहीं बनती बंटी से, तो बंटी हो सकता है गलत जानकारी दे दे उसके बारे में, तो भेदभाव बायसनेस हो सकती है. डाउटफुल कंक्लूजन्स हो सकते हैं, कंक्लूजन्स यहाँ पे सही नहीं निकलते. तीसरा आता है ILS. ILS होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. व्हाट इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज? इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की कंप्लीट जानकारी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक की, तो मैं क्या करूंगा, उसके पीछे उसके लोकल लोग लगा दूंगा, 8-10 लोग उसके आसपास वाले पकड़ूंगा, उन्हें बोलूंगा कि भाई इस पे नजर रखो. वो होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स द लोकल पर्सन. इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बस पूछ रहे थे, वहां किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे अपॉइंट करा जाते हैं लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और वो डेटा कलेक्ट करते हैं अपने तरीके से और सारा डेटा देते हैं इन्वेस्टिगेटर को. ये कहाँ पे सूटेबल होता है? जहाँ पे रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए. पुलिस इंक्वायरीज ऐसी ही होती हैं जब आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए. एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेटर खुद हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता. इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियोज, TV. जब यहाँ पे आपको जर्नल मैगजीन्स में यूज करना है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे ये चलता है. इसके क्या मेरिट्स होते हैं? इकोनॉमिकल है, टाइम मनी एफर्ट कम लगता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज. कवरेज काफ़ी ज़्यादा है, सब में पॉइंट्स लगभग सेम है, वाइड कवरेज है और कॉन्टिन्यूटी है, आपको कॉन्टिन्यूस डेटा मिलता है, लगातार मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है. डीमेरिट्स क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल डेटा नहीं होता, कई बार सेक्रीफाइस हो जाता है क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी सेम डेटा नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग लोग 8-10 लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ कुछ और कर सकता है, कोई कुछ और कर सकता है, ये समस्या है. लेस एक्यूरेट, ये डेटा थोड़ा सा कम एक्यूरेट हो सकता है. लास्ट आता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स. क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स क्या होता है? देखो अब क्या हो रहा है, क्वेश्चनेयर एक तरीके का फॉर्म होता है, फीडबैक फॉर्म. जैसे आप कई बार यूट्यूब भी चलाते हो तो सर्वे आता है ना, वो MCQs होते हैं वो भर दो, या आप कहीं डोमिनोज में किसी और चेन में जाओ तो वो भी आपको फीडबैक के लिए कई बार फॉर्म फिल करवाते हैं, वो सब क्वेश्चनेयर्स हैं. वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट वो अपने बारे में जान पाएं, अपनी पॉजिटिव्स अपनी नेगेटिव्स के बारे में जान पाएं और खुद को इम्प्रूव कर पाएं. तो यहाँ पे क्या होता है, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनेयर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्वायरी इज फिल्ड. क्वेश्चनेयर भरवाया जाता है. क्वेश्चनेयर फिल करवाने के दो तरीके होते हैं, या तो मेलिंग या एनुमरेटर. क्वेश्चनेयर में क्या होगा, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस फिल करने और फिल करके आपको सबमिट करने हैं. अब अगर आपकी जो ऑडियंस है जिससे आप ये डेटा भरवाना चाहते हो वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उनको तो आप एक मेल ड्रॉप करके छोड़ सकते हो, वो मेल पढ़ेंगे उसका रिप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर ऑडियंस इलिटरेट है, जो डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको किसी को भेजना पड़ेगा जो डेटा कलेक्ट करे. जिस इंसान को भेजोगे, जो फॉर्म भरवाएगा, उसको बोलते हैं एनुमरेटर. और इस मेथड को क्या बोला जाता है, एनुमरेटर्स मेथड. तो दो तरीके हैं, या तो मेल कर दो या एक एनुमरेटर को भेजो जो डेटा करवा के लाए फिल. तो दो तरीके होते हैं. मेलिंग मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द क्वेश्चनेयर्स आर मेल्ड, अ लेटर इज अटैच्ड, उसके साथ लेटर अटैच करा जाता है जिसमें पर्पस लिखा जाता है कि हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं.
इट इज ऑल्सो अश्योर्ड दैट इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट. हम उन्हें अश्योर करते हैं, प्रॉमिस करते हैं इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी. इन्फॉर्मेंट नोट द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनेयर टू द इन्वेस्टिगेटर. ये कहाँ पे चलता है? जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है और इन्फॉर्मेंट पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड है. मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस एक मेल करना है, टाइम एफर्ट मनी सब बचता है. ओरिजिनल है क्योंकि सामने वाला खुद भर के दे रहा है, तो ऑब्वियसली डेटा ओरिजिनल होगा. वाइड कवरेज, काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर कर देता है. इसके बाद डीमेरिट क्या होंगे? कई बार लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, जैसे हम लोग के पास ही कई बार मेल्स में फीडबैक्स आते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ यार क्या इसको देखना है. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है, एक बार जो भर दिया वो भर दिया, वो आंसर फाइनल हो गया. उसके बाद लिमिटेड यूज़, बहुत लिमिटेड यूज़ है क्योंकि क्वेश्चनेयर्स आंसर सिर्फ और सिर्फ एडुकेटेड लोग कर सकते हैं, अनएडुकेटेड या लेस एडुकेटेड कई बार नहीं कर पाते. एनुमेरेटर में क्या होगा? अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. द एनुमेरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट. एनुमेरेटर खुद जाएगा और फिर वो इन्वेस्टिगेटर को डेटा ला के देगा, ठीक है. एनुमेरेटर्स आर दोज पर्सन्स हु हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा. एनुमेरेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल्स एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. उनकी ट्रेनिंग होती है, यानी कुछ भी किसी से भी पूछ लिया. सूटेबिलिटी कहाँ पे चलता है? वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का फील्ड काफ़ी बड़ा है. इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, काफ़ी पढ़े लिखे लोग चाहिए. इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज. आपके लोकल लैंग्वेज जो है, सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे कोई और लैंग्वेज यूज होती है वहाँ का डेटा चाहिए, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो मुझे एक इनमेरेटर की जरूरत होगी जो हेल्प करेगा. मेरिट्स क्या होंगे? वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा कवर हो सकता है एरिया इसके अंदर. एक्यूरेट होगा क्योंकि वो अपने सामने आंसर भरवा रहा है. कंप्लीट होगा, आप अपने हिसाब से सब कुछ पूरा कर सकते हो. डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव होगा भाई, एनुमेरेटर की सैलरी दो, बहुत सारी चीज़ें पे करनी पड़ती हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमेरेटर है या नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अवेलेबल भी है या नहीं है. और पार्शियल हो सकता है, पार्शियल का मतलब हो सकता है कि अगर आपका एनुमेरेटर ही बायस निकला, वही भेदभाव करने लगा, तो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. अब एक अच्छा क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. एक गुड क्वेश्चनेयर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे फीडबैक फॉर्म की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. नंबर वन, सिंपल होना चाहिए, यानी उसकी जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल लैंग्वेज हो. नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन ना हो जो उससे इंक्वायरी की, जो आप इंक्वायरी कर रहे हो उससे हटके हो, उसी तरीके का क्वेश्चन होने चाहिए. कैलकुलेशंस आपको इग्नोर करनी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस ना हो, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस हो अगर आपको कोई चाहिए भी तो, अदरवाइज सामने वाला भरेगा ही नहीं. उसके साथ साथ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना होगी आपको 40 दिन लग जाएं भरने में, हाथों हाथ बस 10-15 मिनट में भर जाना चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए, ऑर्डर सीरियल अरेंज्ड होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो. नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, किसी भी तरीके की कोई कॉन्ट्रोवर्सी उसके अंदर ना हो. नो पर्सनल क्वेश्चंस लिख सकते हो आप इसके अंदर, यूज ऑफ MCQs लिख सकते हो. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न होनी चाहिए, तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं. आप अपनी लैंग्वेज में ये बेसिक बना के आ सकते हो कि किस तरीके का एक फीडबैक फॉर्म होना चाहिए. इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि डेटा कलेक्ट करने के कितने सोर्सेज हैं. अब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा तो आ गया, अब वो जो प्राइमरी तो आप खुद जाके लेके आ रहे हो, अब जो सेकेंडरी डेटा है वो आप कहाँ से ले सकते हो? उसके दो सोर्स होते हैं, एक तो छपी छपाई मैगजीन्स, बुकलेट्स, ये सब वो तो होते हैं पब्लिश्ड. एक होते हैं जो छपी छपाई नहीं है, कुछ और सोर्सेज ने कलेक्ट करा था लेकिन उनके एनुमेरेटर्स के पास हैं या कुछ लोगों के पास हैं, कहीं पर रखा हुआ है, तो वो होते हैं अनपब्लिश्ड. तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहले पब्लिश देख लो, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो कि गवर्नमेंट बॉडी पब्लिश करती हैं एडुकेशन पे, हेल्थ पे, बर्थ रेट, डेथ रेट पे. ट्रेड एसोसिएशंस, जो व्यापार मंडल होते हैं अलग अलग, वो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं. पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च करते हैं, वहाँ से आप डेटा ले सकते हो. जर्नल्स एंड पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स. रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करते हैं. तो ये सब आपके पब्लिश सोर्सेज होते हैं. अनपब्लिश जो छपे हुए नहीं है, उसमें आप क्या क्या देखो? सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर रही थी उसकी एबिलिटी कैसी थी, उसने छापा नहीं तो उसकी कम से कम एबिलिटी तो देख लो कि कैसी थी. दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, किस ऑब्जेक्टिव से और कितना डेटा कलेक्ट करा गया है, किस मेथड से कलेक्ट करा गया है, टाइम और कंडीशंस क्या थी, ये पता होना चाहिए. इसके बाद वन मार्क में आ जाता है सेकेंडरी डेटा के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताओ. तो आप बोल सकते हो सेकेंडरी डेटा के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज, एक तो सेंसस ऑफ इंडिया,
सेंसस से में हम लोग यूजुअली पॉपुलेशन काउंट करते हैं, और दूसरा NSSO, हमारा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, एक सेंसस और एक NSSO. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क में आ जाता है. और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो ओवर. स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 1 डन, चैप्टर 2 डन. मैं आपको ऐसे ही फटाफट क्विकली सारे चैप्टर्स करा दूंगा, और हम अपना सिलेबस भी अच्छे से करते चले जाएंगे. बस एक कोई भी किताब लेके बैठना, जो भी बुक आपके पास है उसमें से एक बेसिक रीडिंग लगाना. कुछ इश्यूज आएंगे तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको जल्दी से जल्दी दूर करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग.